चयन इरिगेशन में आपका स्वागत है, जहां कृषि और स्थिरता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जहां किसानों के सपने सच होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी नौकरी करते हुए खेती में उतरा जाए? आज हम आपको महाराष्ट्र के धाराशिव के डॉक्टर सचिन कस्तूरे की खास कहानी सुनाते हैं, जो पेशे से डॉक्टर है और दिल से किसान। डॉक्टर कस्तूरे ने 2018 में आम की खेती शुरू की, जो स्थिरता और लाभ के प्रति प्रेरित थी। हमारा जो रूटीन प्रोडक्शन है वो शुगर केन एक है और रूटीन सोयाबीन, ये दो बड़े प्रोडक्ट है हमारे एरिया में के। लेकिन उसमें भी उतना जो सक्सेस रेट चाहिए उतना नहीं है हमारे कैंपस के हिसाब से। तो फिर बाद में बहुत हमारे जो दोस्त थे उन्होंने रिकमेंड किया कि एक आम की खेती जो है वो तुम एक बार चॉइस करके देख लो, उसमें क्या होता है क्या नहीं। उन्होंने जैन इरिगेशन का साथ चुना और हमारी UHDP तकनीक का उपयोग करके अपने एक एकड़ खेत में 700 आम के पौधे लगाए। पौधों के बीच 15 फीट और पंक्तियों के बीच 5 फीट की दूरी रखकर उन्होंने अपनी जमीन का सही उपयोग किया और उत्पादन बढ़ाया। डॉक्टर कस्तूरे के साथ हमारा सहयोग सिर्फ पौधे देने तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे जैन के जो है नितिन पाटिल सर, गाड़ेकर सर, इन्होंने जो जो मुझे गाइडेंस किया उसके हिसाब से मैंने ये प्लांटेशन किया था अपने खेत में। यह साझेदारी हर किसान की सफलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मराठवाड़ा क्षेत्र ने, जो जल की कमी के लिए जाना जाता है, एक बड़ी चुनौती पेश की। इस समस्या को हल करने के लिए डॉक्टर कस्तूरे ने हमारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को चुना। यह सिस्टम समान जल वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे प्रत्येक पौधे को बराबर पानी मिलता है और वे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। ऐसे ड्राई एरिया में खुला पानी बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए आप उनको ड्रिप पे ही आना पड़ेगा। और उसमें जो जैन का ड्रिप है, इनलाइन ड्रिप जो है, वो बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि 6 साल से मैं यूज करता हूँ ये। तो उससे जो है बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक, बोल तो सबसे पहला जो पौधा है और आखिरी का जो पौधा है, दोनों की जो है ग्रोथ सेम टू सेम है। यूनिक पानी जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। और अभी खाली इसमें जो बाग में है, जो 2 लैटरल पहले यूज़ की थी, लेकिन वो भी कम गिर रहे, तो उसके हिसाब से मैंने और 2 बढ़ा दी। तो हर लाइन को मैंने 4 लैटरल अभी डाल दिए मैंने इस उसको। दूसरी बात यह है कि ये पानी के दिक्कत की वजह से ये जो गन्ने का जो अपना उसको कुट्टी बोलेंगे अपन, गन्ने का जो पन्ने का जो कुट्टी करने के बाद, उससे भी आप उन्हें ये झाड़ की छाँव जहाँ तक है वहाँ तक का एरिया आप उन्हें ढक के रखा है। उसका फ़ायदा 2 होता है। एक तो पानी बहुत कम लगेगा, क्योंकि उसके नीचे लैटरल है तो पानी भी बहुत कम लगता है। और वो जो गन्ने का जो पन्ने हैं, वो कुछ दिन के बाद उसका पूरा खाद होता है, उसका भी सपोर्ट वो पेड़ को मिलता है। एक क्षेत्र जो मुख्यतः गन्ना और सोयाबीन जैसी कम लाभ वाली फसलों के लिए जाना जाता है, वहां डॉक्टर कस्तूरे और उनके मित्रों ने अलग सोचने की हिम्मत की। 2018 में हमने प्लान किया था कि अगर आप उनको पर एकड़ आप उनको कम से कम 2 लाख तक जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे बड़ी चीज हमने ये ढूंढने की थी कि कम पैसा लगने का, कम पानी लगने का, कम पर दवा वगैरह कम लगने का और मजदूर भी कम लगने का। ये 4-5 चीज़ें हमने ये की थी। तो उसमें सॉल्यूशन क्या निकला कि आम जो है उसको मजदूर कम लगते हैं, अगर ये सिस्टम से अल्ट्रा हाई डेंसिटी जाएंगे कम मजदूर लगते हैं, बहुत कम पानी लगता है इसको अगर अपन ड्रिप इरिगेशन यूज़ करेंगे तो, बहुत दवा भी कम लगती है। सबसे पहले टारगेट रखा था कि कम से कम 2 लाख पर एकड़ उसमें से इनकम होना चाहिए अपन को। शुरुआती साल चुनौतियों से भरे थे, लेकिन डॉक्टर कस्तूरे के धैर्य ने रंग लाया
ये जो मेरा प्लांटेशन है पूरा जैन का है प्लांटेशन, 90% केशर का प्लांटेशन है। और इसमें कैसा रहता है, क्रॉस पॉलिनेशन एक चीज़ होती है, उसके वास्ते अपन को दूसरी वैरायटी भी इसमें डालना पड़ता है। तो उसके हिसाब से मैंने आम्रपाली जो है वो चॉइस किया था, और क्रॉस पॉलिनेशन के हिसाब से उसके आधी लाइन और दोनों साइड का आधी आधी लाइन मैंने डाल दी। जैन इरिगेशन के साथ आप सिर्फ खेती नहीं कर रहे हैं, आप समृद्धि और स्थिरता की विरासत बना रहे हैं। आई एम अ जैन फार्मर क्योंकि मेरे पास सोलर है जैन का, ड्रिप है जैन का, और अपने अल्ट्रा डेंसिटी के पौधे हैं ये भी मेरे जैन के हैं।